हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। अगर हाल ही में आपका अबॉर्शन या फिर मिसकैरेज या फिर गर्भपात हुआ है और आपका ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अबॉर्शन मिसकैरेज या फिर गर्भपात के बाद अगर ब्लीडिंग ना रुके तो आपको क्या करना चाहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए ओके फ्रेंड्स, अगर हाल ही में आपका अबॉर्शन मिसकैरेज या फिर गर्भपात हुआ है तो आपका ब्लीडिंग हो सकता है। यह ब्लीडिंग हैवी भी हो सकता है या फिर लाइट भी हो सकता है। डॉक्टर की माने तो गर्भपात के बाद लगभग एक या दो हफ्ते तक ब्लीडिंग होना आम बात होता है, यानी कि ये स्वाभाविक बात होता है। लेकिन 15 दिन के बाद या फिर दो हफ्ते के बाद भी अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो ये असामान्य बात है, यानी कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज या फिर अस्वाभाविक परिस्थिति हो सकता है। तो पहले हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जब आप गर्भपात कराते हैं तो आपका जो यूटरस का जो लाइनिंग है या फिर जो बच्चा चिपका हुआ होता है इम्प्लांटेशन होके, वो चिपका हुआ बच्चा और साथ ही साथ आपका जो यूटरस का लाइनिंग जो प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल तैयार होता है वो स्प्रेड होकर आपके वजाइना के थ्रू, ब्लड के थ्रू निकलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अबॉर्शन के बाद भी वो पूरा जो लाइनिंग होता है यूटरस का या फिर जो भ्रूण होता है उसका कुछ अंश पूरा निकल नहीं पाता है, कुछ अंश आपके यूटरस में रह जाता है। अगर आपके यूटरस यानी कि बच्चेदानी में भ्रूण का कुछ अंश या फिर यूटरस का कुछ लाइनिंग बचा हुआ होता है तो यही मुख्य कारण होता है 15 दिन या फिर दो हफ्ते के बाद ब्लीडिंग होने के पीछे। तो अगर गर्भपात या फिर अबॉर्शन के दो हफ्ते के बाद या फिर 15 दिन के बाद आपका ब्लीडिंग हो रहा है, इस केस में आपको कोई भी घरेलू नुस्खे ट्राई नहीं करना चाहिए। तुरंत ही आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड करने को बोलेंगे। अल्ट्रासाउंड में ये पता किया जा सकता है कि आपके यूटरस में भ्रूण का कुछ टुकड़े या फिर यूटरस का लाइनिंग के कुछ टुकड़े है या नहीं। अगर डॉक्टर को आपके बच्चेदानी में या फिर यूटरस में भ्रूण का कुछ अंश या फिर यूटरस का लाइनिंग मिलेगा तो वो आपको डायलिटेशन या क्यूरेटेज कराने को सलाह देंगे। डायलिटेशन और क्यूरेटेज यानी कि BNC, जो कि सर्जिकल अबॉर्शन होता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से आपके यूटरस को वॉल यानी कि दीवार को बिल्कुल भी साफ किया जाता है। कई बार गर्भपात के दौरान यूटरस या फिर बच्चेदानी में चोट लगने से कारण ब्लीडिंग ज़्यादा समय तक हो सकता है। इस केस में आपको डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स भी आपको समय पर लेना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको कुछ चीज़ों का परहेज करने के लिए बोलते हैं, यानी कि कुछ ना खाने को या फिर कुछ काम ना करने को, तो आपको डॉक्टर की सलाह मानना चाहिए। इसके साथ साथ ब्लीडिंग रोकने के लिए आपको एक्सरसाइज का भी परहेज करना चाहिए। इस दौरान आपको हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो इससे भी आपको परहेज करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि आपको कुछ दिनों के लिए सेक्स को अवॉइड करना है तो आप डॉक्टर की बात को भी जरूर मानिए और कुछ दिनों के लिए सेक्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि सेक्स के दौरान भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने का खतरा रहता है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अबॉर्शन, गर्भपात या फिर मिसकैरेज के 15 दिन या फिर दो हफ्ते के बाद अगर आपका ब्लीडिंग ना रुके, कोई भी घरेलू उपाय ना अपनाएं। घरेलू उपाय अपनाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस केस में बिना देरी किए आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।